जिनके पास कार्ड है, राशन कार्ड है, उनकी संख्या है 58 लाख करीब। हाँ, 58 लाख संख्या है कार्डधारियों की। उसमें हम लोग हर कार्ड में दो दे रहे हैं, एक साड़ी दे रहे हैं, एक धोती या लुंगी जो पसंद करे। पुरुषों के लिए धोती या लुंगी, महिला महीनों के लिए साड़ी, ये दे रहे हैं। तो 58 लाख का दोगुना कर दीजिएगा तो 1 करोड़ 16 लाख अभी दे रहे हैं। इसके अलावे हम शुरू कर रहे हैं कि जिनको हरा कार्ड दिए हैं, राशन कार्ड, उसके लिए इसमें अभी नहीं था, लेकिन जल्दी ही जल्दी उनके लिए प्रावधान कर रहे हैं, उनको भी हम धोती लुंगी साड़ी देंगे। आइडिया ये है कि हम गरीब लोगों का पेट भी भरें और तन भी ढकें, है ना, तन भी ढकें पेट भी भरें। अनाज दे के तो पेट भर रहे हैं, उनके पास पैसे नहीं थे, अच्छे कपड़े नहीं थे, और मैं बताऊं अच्छे अच्छे कपड़े हैं। मुझे देखकर खुशी हुई कि 400 साड़ी जो बाज़ार में बिकती है, अपर बाज़ार में पता लगवाए हम, वो साड़ी 400 लगभग में बिकती है, उसको 10 रुपये में दे रहे हैं। जो धोती 350 रुपये में बिकती है अपर बाज़ार में, उसको हम 10 रुपये में दे रहे हैं। जो लुंगी 250 से ज़्यादा बिकती है, में ज़्यादा बिकती है, उसको भी 10 रुपये में दे रहे हैं। तो एक गेम चेंजर होगा गरीबों के लिए, सचमुच में एक फ़ायदेमंद प्रोग्राम होगा ये। जहाँ ये राशन लेते हैं, धोती लुंगी साड़ी वहीं रखी रहेगी। सुनिश्चित करने के लिए कि उम्मीद को मिले, हम कमिटी हर डीलर के पास रखेंगे, गांव के लोग ही रहेंगे उसमें, हमारे पार्टी के लोग भी रहेंगे, क्योंकि हमारी पार्टी जेएमएम हैं, हम हैं, बांट रहे हैं, हम लोग बांट रहे हैं, भारत सरकार तो बांट नहीं रहे हैं। अपने लोगों को भी रखेंगे सुपरवाइजर के रूप में, सुपरविजन करेंगे, और उनके सुपरविजन में राशन डीलर लोग इसको बांटेंगे।